आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये कि बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने दोनों से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। 6-7 जून को पूछताछ के लिए पेश होने का फरमान जारी किया गया है। आयकर विभाग ने मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में उनसे पूछताछ होगी। इस मामले में मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को भी समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। लालू यादव और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही चला जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब मीसा भारती और उनके पति को समन भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कितनी बड़ी मुश्किल का सबब है ये समन? देखिए, साफ तौर पर लालू प्रसाद परिवार के लिए मुश्किलों का सबब लगातार बढ़ता जा रहा है। बेनामी संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद की बेटी हैं और राज्यसभा सांसद हैं, और आयकर विभाग ने ये समन भेजा है। तो ये उनके जहां मीसा भारती के साथ साथ उनके पति शैलेश से भी पूछताछ होगी और इसको लेकर राकेश बहुत शुक्रिया समान जानकारी के लिए आपका। एक ब्रेक।